आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क ही क्यों चाहते हैं? ऊंची ऊंची इमारतों में बिजनेस चलाने वाले फार्म हाउस में क्यों रहना प्रेफर करते हैं? और क्यों शहर के भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेक मिलते ही अक्सर लोग हिल स्टेशन या समंदर की सैर पर निकल जाते हैं? क्योंकि वहां की हरियाली, नदी, झरने और बहता पानी, साफ सुथरी हवा उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। अमित, तमाम स्टडीज भी हमें ये बताती हैं कि प्रकृति के बीच टहलने से केवल एक घंटे में ही हमारा तनाव दूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तीनों। लेकिन मीनाक्षी, आज आपको पार्क, पहाड़, फार्म हाउस, समंदर, झरने, नदी, इन सब की याद क्यों आ रही है? इन दिनों तो वैसे भी दिल्ली NCR का मौसम किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, मतलब देखते ही बनता है। फिर क्या बात है, कहीं आप ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर बोर होने तो नहीं लगे हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि मुझे ये हिल स्टेशन और समंदर तो अक्सर बहुत याद आता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आइए, जो असली परेशानी है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, ये है दुनिया। जी हाँ, दुनिया के अलग अलग कोने में बस ये तीन देश हैं। आप देख रहे हैं कौन सा? जापान। जापान, जापान से कहां कहां मंगोलिया, कजाकिस्तान घूमते हुए आपके पास पहुंच गई फिनलैंड। और फिनलैंड, जी हाँ, हजारों मील का फासला, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है, बुजुर्गों की तादाद, अमित, और जो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा इन्हीं तीन देशों में है। लेकिन साथ ही आप भारत को देख सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि हमें इससे क्या वास्ता है, बिकॉज वी आर सच अ यंग नेशन। हमारी तो यहाँ पर करीब 68% जो आबादी है युवा है। युवा है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी, और रिपोर्ट्स ये कहती है कि अगले 20 से 25 साल में हर पांचवा भारतीय उम्रदराज होगा, और इसकी वजह से हर पांचवें शख्स पर अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। आप लोग ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि UK की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 60 की उम्र के बाद दिमाग की जो कैपेसिटी है वो घटने लगती है। यानी भले ही अभी हमारा देश युवा हो, लेकिन अगर अभी से योग और एक्सरसाइज शुरू नहीं की तो बुढ़ापे की बीमारी से नहीं बच पाएंगे। हमने आदत डाल ली है, इसलिए हम रोज योग करते हैं। वैसे श्रुति का अलर्ट होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि न्यूरोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में युवाओं की याददाश्त तो बहुत कमजोर हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है तनाव और बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल। खैर, ऐसे में तो मुझे क्या लगता है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि फ्यूचर को हम सेफ रख सकें, और फ्यूचर को सेफ रखने के लिए हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे गाइड हैं, वो हैं स्वामी रामदेव। तो स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर नजर आ रही है। ये कौन सा आपने रूप है, कौन सा क्राउन पहना हुआ है, कौन सा आपने ताज पहना है? लग रहे हैं आप। मैंने प्रकृति का क्राउन पहना हुआ है, कमल का फूल है ना? और हाँ, प्रकृति सच में हमारा सच्चा आभूषण है। प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है, प्रकृति हमारी मूल पहचान है, और उसी में स्वास्थ्य है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, आत्मनिर्माण है और जीवन का निर्वाण है। और देखो, मैंने ही नहीं, एक के तो जो है ये संतोष, इसके तो अभी वैसे इधर ये तो एंकुलोजिंग कोलाइटिस हो गया था और हाथ पैर उठता नहीं था, अब तो 3 बच्चे हो गए इसको। बैठो यहीं बैठ करके, अनुलोम विलोम करो, क्या बात है। और इधर देखो कितना सुंदर पुष्प खिल रहा है, सफ़ेद वाला भी और ये नील कमल भी। और आज जो है कमल के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब इसका कमल का मतलब कोई BJP मत समझना भाई। बाबा जी जो है BJP को प्रमोट करने लग गए अब ऐसे। तो ये कमल तो प्रकृति का, परमेश्वर का वरदान है। और भाई कमल जो है वो कीचड़ के बीच में खिलता है। बहुत से लोग कीचड़ उछालते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज़्यादा उछालते हैं। तो हमें कीचड़ के बीच में ही कमल खिलाना है। और इधर देखो कितना बढ़िया कमल खिल रहा है। चलो देखिए, सेहत के कमल खिलाने की बात स्वामी जी कर रहे हैं, तो डिस्क्लेमर उन्होंने पहले से लगा दिया है कि सेहत का कमल खिलाएं, फिर चाहे वो कमल का क्राउन हो या कमल की माला हो। स्वामी जी, आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है। चिंता, तनाव, खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की मानसिक परेशानी बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। तो आज तो सारी बातें ब्रेन के इर्द गिर्द ही होगी, और ब्रेन को स्ट्रांग बनाने पर ही हमारा जोर रहेगा, लेकिन उसके लिए शरीर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि शरीर हेल्दी होगा तभी तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अब शरीर ही अगर कमजोर होगा तो दिमाग तो चिंता करेगा ही ना, तो तनाव, गैजेट्स, ट्रॉमा, जीन, सारी चीजों पर एक साथ वार करना है, शुरुआत शरीर को हेल्दी बनाने से। हाँ तो देखो, इधर तो जो है हमारी बहन जिसने फोर्थ ग्रेड के कैंसर को हरा दिया, क्या रोमिला, क्या नाम है, मीता ने फोर्थ ग्रेड के कैंसर को हरा दिया मुंबई से। हाँ और इधर हमारे बहन जी, इनके तो भाई साहब ने पूरा नव जीवन पा लिया, इन्होंने भी अपने जीवन को संवार लिया है। और रोज हमें सूर्य नमस्कार तो करना ही, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इधर शिरोधारा भी चल रही है मस्तिष्क के लिए, बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ शिरोधारा, और रोज सूर्य नमस्कार, और जिससे जितना बन पाए एडवांस योग जिनको करना है, एडवांस योग तो वैसे तो श्रुतिका जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी सभी भी करते हैं, और इधर हमारी बेटी मधु भी बहुत ही माधुर्यपूर्ण एडवांस योग कर रही है, जिससे जितना बन पाए एक बार सुबह सुबह कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार, और 10 बार से शुरू करके अब हमने 100 बार तक का टारगेट दिया हुआ है, और अब तो लाखों लोगों ने ये टारगेट अचीव कर लिया है। 10-10 बार दंड बैठक से शुरू करके 10-10 बार सूर्य नमस्कार से शुरू करके, और आगे अब 100-100 बार तक पहुँच गए हमारे जैन साहब, क्या नाम है, राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने तो अपना जेनेटिक शुगर ठीक कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया है, 60 पर शुगर आ गया लो, और पत्नी ने बीपी ठीक कर लिया, और ये पुष्पा ने तो 1.5 साल से इंसुलिन बंद कर दिया, 50-60 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, चलो उल्टे लेटो भुजंगासन, और इस बालक ने तो संतोष ने तो कमाल कर दिया। पहले कोशिका का मैंने उदाहरण दिया था, ये तो अभी अनुलोम विलोम कर रहा है, अभी तो सारे आसन कर रहा है, चलो भुजंग आसन करो बेटा, ये पुष्पमाला तो अपनी पत्नी के गले में डाल देना, दोबारा से ताजी हो जाएगी, नहीं तो शादी के बाद इसकी बेचारी की बर्बादी हो गई थी, 2 साल बाद एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया तो बच्चे नहीं होंगे, अब 3 बच्चों का बाप है ये, और अब भुजंग आसन करता है दबा करके 100 बार रोज, 100 बार भुजंगासन ऐसे, ये बहुत ही जबरदस्त है ये, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस ठीक हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन तो रहता ही नहीं है, यहाँ जीवन पुष्प सबके खिल रहे हैं, ऐसे सबको ऐसे करना है, ऐसे करो, हाँ पूरा मस्ती के साथ ऐसे पूरा लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, ये ये तगड़ा सा लड़का आ गया, इधर खाली पड़ा है गद्दा, इधर तेरे इंतजार कर, आ गया जा, क्या नाम है, आकाश, कितना कम कर लिया बेटा वजन, इधर 100 बार भुजंगासन रोज करना है, 8 दिन में 8 किलो, लो पहले कितना था, 106 था, 8 दिन में 8 किलो वेट कम कर लिया है, और अब इसको पता लग गया भाई ये करने जैसी चीज है, रोज 1 घंटा अब करना है बेटा, अब छोड़ना नहीं है। हाँ फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि मधु की तरह देखो आपके बाई तरफ हो रहा है ना, पूर्ण भुजंग आसन भी हो जाएगा आपका, अभी तो थोड़ा भुजंग आसन हो रहा है, ऐसे 100 बार तक पहुँचना है, फिर ऐसे भी ये रोज पावर योगा भी करवा देते हैं, साधारण दंड या ऐसे हनुमान दंड, फिर पार्श्व दंड, चक्र दंड, इसके लिए थोड़ी सी तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और जब डेली ऐसा अभ्यास करेंगे और छोटे छोटे करेक्शन कर लें, रोज सिर में तेल लगाना है, मालिश कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद ही कर लो, जैसे हम अपने खुद ही कर लेते हैं, दूसरों के लिए हमने करने वाले रखे हुए हैं भाई बहन थेरापिस्ट, अपनी तो खुद ही कर लेते हैं, इधर सिरों पिच्चों भी कर दिया है,
और ऐसे फिर अनुलोम विलोम करें, रोज सिर पे मालिश करें, हाथों में पैरों में पादाभ्यंग, और हाँ रोज एक चम्मच घृत सेवन, जल नीति सूत्र नीति आई ग्रिट ईयर ग्रिट नस्य, बस छोटी छोटी बातें, उससे पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, जीवन में एक रूपांतरण घटित होता है। तो ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज पावर योगा भी करवा देते हैं, यदि कोई कर सके तो ऐसे भी कर लेना, ये ऐसे ऐसे, ये इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, अभ्यास के बाद ये सब हो पाएगा, बिना अभ्यास के कोई करेंगे तो पड़ जाएंगे रे मेरे भाई, इसके लिए तो थोड़ी जी अभ्यास और आदत रिक्वायर्ड है, ये जीवन में बहुत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और स्वामी जी कहते भी हैं कि आदतें जिंदगी संवार भी सकती हैं और बर्बाद हाँ। भी कर सकती हैं। बांग्ला में बोलो ना अमित भाई, अभ्यास 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 वहां तो अभ्यास हो जाता है। अब स्वामी जी देखिए, हरियाली में घूमने वर्कआउट करने की आदत तो कम उम्र से ही अगर पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक घंटा भी अगर ऐसा करने से अगर आपको मेंटल स्ट्रेस में कमी आती है, आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें चली जाती हैं, तो स्वामी जी इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और इस एक्सरसाइज के अलावा और क्या करना चाहिए स्वामी जी, क्योंकि आपके हाँ। आसपास स्वामी जी मैं देख रहा हूँ कि शायद वो कमल के फूल के जो पूरे बाग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी में होते हैं, और मुझे मौका मिला था देखने का एक दो बार, एक तो श्रीनगर में देखने को मिला था, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं डल लेक में, और साथ ही साथ मैंने जो बंगाल में देखा है कि गांव वगैरह में जो पोखर होते हैं जिनको तालाब हम कहते हैं, उसमें भी बहुत निकलते हैं ये कमल के बंगाल में बिहार में उसी से कमल गट्टा। अच्छा स्वामी जी फिर से डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, कमल को लेके क्या उसी से निकलता है? नहीं एक काफी अच्छा स्वामी जी कमल खिले और देश में भी कमल खिले तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्क्लेमर देना चाहो तो दे सकते हो। अब स्वामी जी कितना डिस्क्लेमर देंगे, आप कभी शंख बजाते हैं तो किसी पार्टी का, साइकिल चलाते हैं तो किसी पार्टी का, अभी हाथ उठाते हैं तो किसी पार्टी का, करे तो क्या करे इंसान। ये अच्छा है, अरे साइकिल भी ठीक चले, कमल भी ठीक खिले, शंख भी ठीक बजे, धनुष बाण भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक है, ज्योति स्वामी जी तो हाथी की सवारी भी कर चुके हैं, अलग अलग चिन्ह है बताओ। ये एकदम ठीक कहा आपने, नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम, प्रतीकों पर मत जाना, जो हमारे मूल उनकी जो पहचान है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, उससे जरूर जुड़ना, मूल से भूल से भी हट गए ना, भूल से भी मूल से हटे तो फिर भूल चूक होगी, फिर लेना देना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, रोग हो जाएंगे, इसलिए मैं हर रोज कहता हूँ योग को करो और योग को जियो। देखो ऐसे 100 बार करते हैं ना तो फिर ऐसे पसीना बहता है, देखो रोज, ये जीवन का निचोड़ है, निष्कर्ष है। पहले बड़े बुजुर्ग मिलते थे ना तो एक बात कहते थे, भाई जीवन का निचोड़ क्या? मैंने कहा भाई पहला निचोड़ तो ये है कि अपने शरीर को पसीने से निचोड़ दिया करो सुबह सुबह, एक तो ये, फिर ये ऐसे। और हाँ जो प्रकृति के बीच में रहते हैं ना, उनको स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन नहीं, तो उनका जीवन जैसे पुष्पा का मैंने बोला, पुष्प की तरह खिला रहता है, फिर ना बीपी ना शुगर ना थायराइड ना आसमान आर्थराइटिस, और पूरा जीवन खिला खिला रहे ना ये, और तो फिर और कोई रोग ना रहे। कुछ साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कुछ साधनहीन दुखी दरिद्र, योग करेंगे शरीर रूपी इंद्रियां मन प्राण जीवन रूपी साधन अच्छा रहेगा, साधना अच्छी होगी, जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन में विजयी होंगे, जो भी करेंगे उसमें विजयी होंगे, और मानवीय शक्तियों का जब पूरा उपयोग करेंगे तो अतीन्द्रिय शक्तियों से अति मानवीय शक्तियों से देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व से भी युक्त होंगे और जीवन मुक्त होंगे, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधियाँ भी मिलेंगी। लेकिन भाई करते रहो, करते करते चरैवेति चरैवेति जो आप कहते हैं स्वामी जी,
कि आप खुद कह उठेंगे, अरे चरई वेती चरई वेती, जीवन तो उत्सव बन गया, देह देवालय शिवालय बन गया। अरे तू राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, आत्मा हम, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, दुर्गा हम, सरस्वती हम। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूँ, उपयोगी हूँ। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, देवत्व को पाओ, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ, यही तो जीवन का मंत्र है। बीमारियों को मिटाना तो एक बहाना है, मैं तो कहता हूँ देह को देवालय और जीवन को उत्सव बनाना है, ये है प्रकृति का, संस्कृति का सार। तो यहाँ चारों तरफ पुष्प खिल रहे हैं, कमल के और जीवन पुष्प सब खिलते रहे हैं। ना उसे रोकने का मन करता है और ना खतरनाक स्टडी फॉर रिसर्च बताने का मन करता है, लेकिन इनको बताने के पीछे मंशा एक ही है कि लोग जागरूक हों। एक नई रिपोर्ट ये कहती है स्वामी जी कि भारत है तो सबसे जवान देश, लेकिन बात अब वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की होनी चाहिए। और सच ये है कि 2050 तक हर पांचवा भारतीय उम्रदराज होगा। ऐसा हुआ तो दिमागी बीमारियों के साथ ही लाइफस्टाइल डिजीज का भी खतरा रहेगा। तो शुरुआत से ही हमारी लाइफस्टाइल अच्छी बनी रहे और किन बीमारियों को लेकर हमें सचेत रहने की जरूरत है अभी से, क्योंकि यही पीढ़ी तो बाद में जाकर 2050 की हम जो बात कर रहे हैं कि हर पांचवा शख्स बुजुर्ग होगा, तो आज वो जो जवान हैं, आज जो बच्चे हैं, उन्हें अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार करने की जरूरत है और बीमारियों से लड़ने के लिए कितना सचेत रहना है। 60 साल तक, अब 60 के आस पड़ोस में पहुंच गया हूं जी। अब पहली बात तो यह है कि 60 साल तक तो मेरी तरह से 25-30 साल जैसे ही रहेंगे, जैसे मैंने अपनी बायोलॉजिकल एज को आधे पर ठहरा रखा है, ऐसे ही मैं सारे देश को 100 साल की उम्र तक भी 50 या 50 से नीचे ही उसको रखूंगा। और इसके लिए ये जो हम योग बताते हैं ना, ये योग बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, लेट करके मरकटासन से लेकर के पवन मुक्तासन, सेतुबंध पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ओ मोटे हैं तो ये ओबिसिटी, ये बीपी, ये शुगर, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, वात पित्त पित्त कफ त्रिदोष, ये हमारे आयु का हरण करने वाले हैं। आयुर्वेद के संदर्भ में महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट, अग्निवेश, अश्विनी कुमारों ने, सुषीण आदि वैद्यों ने जो बताया उसका सार बता रहा हूँ। जीवन में आदमी बूढ़ा क्यों होता है, ये रोग ही बूढ़ा करते हैं। रोग और विकार, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर के लिए मजे मजे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचते, खाते पीते जीते, और थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम। थोड़ी देर नाचते गाते हैं, थोड़ी देर खुशियां मनाते हैं, जिंदगी भर फिर गम के घूट पीते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करना जिसके परिणाम में तुम्हें रोग मिले, दुख मिले, बुढ़ापा मिले, बेबसी मिले, लाचारी मिले। तो ये और सदा जवान रहने के लिए ना दो अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण, एक सर्वांगासन, ये एक दो मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एवर यंग रहने के लिए, इम्यूनोग्रीट या इम्यूनोग्रीट गोल्ड या अश्वगंधा शतावर आदि या आंवला एलोवेरा गिलोय, ये एंटी कैंसरस बोलो, ये एंटी टॉक्सिन बोलो, आंवला एलोवेरा गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, वीटग्रास, एलोवेरा, ये जितने भी है ना, ये सब अपने वात पित्त कफ त्रिदोष की प्रकृति के अनुसार थोड़ा सुबह सुबह जूस पीना, एक बार खाना खाना, एक बार फलाहार, सुबह सुबह रसाहार। क्या बात है, सुबह सुबह रसाहार, शाम को फलाहार, दोपहर को एक बार का आहार, एक भुक्तम सदारोग्यम, 100 साल जवान रहने का सूत्र दे रहा हूँ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हितारा मितहारा अल्पहाराशये नराहा, नतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। हितभुक हितभुक मितभुक होना है, एक बार खाना है, और वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार, सब चीज़ें सबके खाने के लिए नहीं होती है, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन का चयन कर ले, और फिर
कम खाएं। गम आए तो थोड़ा सह लेना, कम खाना, सदा प्रसन्न रहना। आनंद आ गया। तो देखो भाई, दूसरे तो 100 साल जिए नहीं भाई, यहाँ तो कम से कम 150-200 साल जीने का इरादा है और वादा भी है। और आपको भी बूढ़ा नहीं होने दूंगा मीनाक्षी जी दोस्त। हाँ। और देखो, थैंक यू स्वामी जी, तुम भी करो, चलो तुझे भी बूढ़ा नहीं होने देना, जवान ऐसे ही रहेगा मस्त मलंग पूरा लगा रहे बच्चे, जमा रहे ऐसे। ये तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, शतका जी, पूजा जी, अमित जी, सेम टू यू। अमित जी आप भी, और हम तो अमित भाई शाह को भी, उसको भी हमने, उनको भी जवान कर दिया है। वो भी रोज आंवला एलोवेरा पीते हैं, 25-30 किलो वेट घटा लिया है। शाम को 7 बजे के बाद खाना खाते नहीं है, दोपहर को एक बार खाना खाते हैं, शाम को थोड़ा फलाहार करते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने रोगों पर भी विजय पा ली है और राजनीतिक विजय के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हम तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अमित भाई हों या और जितने भी राजनीतिक दलों के लोग, हमने तो साइकिल से लेकर के, हाथी से लेकर के, हाथ से लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सब आगे बढ़े भाई, लेकिन सब मूल्यों आदर्शों के साथ आगे बढ़े, पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो। विपक्ष तो हम मानते ही नहीं, अपोजिशन नहीं, पक्ष या प्रतिपक्ष दो पहलू हैं। ये तो जीवन की गाड़ी जैसे चलती है दो पहियों पर स्वामी जी, लोकतंत्र की गाड़ी भी पक्ष प्रतिपक्ष पर चलती है। सब सक्षम हो, रोज योग करें, कर्म योग करें, और ये योग तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक रोज ऐसे अभ्यास करें, और सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी व्यवहार में प्रतिष्ठित रहे मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी। और ये जो योग वाला, जो आपका अच्छा वाला विकास है, ये सीमाओं को पार कर चुका है, ये 7 समंदर पार जा चुका है, और हम देखते हैं कि वहाँ भी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी योग का लोगों में बहुत क्रेज है, और इंडिया आके वो लोग योग सीखते हैं। स्वामी जी, क्योंकि हम विश्व की बात कर रहे हैं, और दुनिया में पहले ही 5.5 करोड़ डिमेंशिया के मरीज हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2050 तक के ये आंकड़े, ये जो आंकड़ा है, ये 1.5 अरब के पार होगा। एक रिपोर्ट तो स्वामी जी ये भी कहती है कि मेंटल हेल्थ का सीधा रिश्ता हमारी आंतों से होता है। अभी आप खाने की ही बात कर रहे थे, तो आंतें यानी कि गट मजबूत रहे तो मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि ज्यादातर लोग, ये सेकंड ब्रेन माना जाता है गट को, हाँ, खराब पाचन की शिकायत लिए घूम रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? शरीर जवान रहे, दिमाग में विकास भी अच्छे से हो, तभी एक तो मंडूकासन लंबा, लंबी आयु का फायदा होगा। योग मुद्रासन लंबा करना है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, 3 तरह से बता दिया हमने। एक तो हथेली पर हथेली रख करके, एक तो ऐसे मुट्ठी रख करके, और तीसरा BMI और BRI आपने बता दिया लोगों के। BMI भी बिगड़ रही है और BRI तो पाने ने ले गई है, वापस आई नहीं है अभी। ये आकाश भी कोशिश तो कर रहा है, कर ले बेटे ऐसे। ये तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन लंबा करना, एक एक आसन को 5-5, 10-10 मिनट ऐसे कराते हैं, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। अति बला का सेवन करें, दूधी का सेवन करें, एलोवेरा लें, कुमारिया सब लें, खाने के बाद कुमारिया सब, द्राक्षा सब, उसे भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, दारू पीने की आदत छूट जाती है, और आम संग्रहणीय है, आंतें कमजोर हो गई हैं तो कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, खाली पेट, कोलोग्रीट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, बड़े जबरदस्त ऐसे और ऐसे और एक ऐसे। लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन आंतों के लिए बेस्ट है। चबा चबा करके खाना खाएं, सुबह सुबह अनार, बग्गू गोसा, पपीता, सेब, यही लेना। सुबह सुबह रसाहार या फलाहार, पका हुआ खाना ही नहीं है सुबह सुबह, पका हुआ एक ही बार खाना है दोपहर को। हाँ, या किसी को ऐसा रहे कि भाई दोपहर को बात नहीं बन पा रही, पति पत्नी दोनों ही ऑफिस में काम करते हैं मीनाक्षी जी की तरह और अखिलेश जी की तरह, तो अपने शाम को खा लिया करो। तो
एक बार खाना खाना, दो बार फलाहार रसाहार, ऐसे। तो देखो ये आंतों के लिए जो है, सुबह सुबह जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी, छोटी छोटी बातें हैं, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा आदि लिया करें। और देखो ये वक्रासन बहुत ही ज़बरदस्त है, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करें। और पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया ये बहुत बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे हाथ कांपते हैं, फिर दिमाग ब्रेन नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने लगता है, गला रुंधने लगता है, बोलती बंद हो जाती है, आवाज़ नहीं निकलती है, फिर धीरे धीरे पहचानना बंद कर देते हैं, मेमोरी लॉस होने लगता है। इसलिए मैंने कहा एक चम्मच सुबह खाली पेट गाय का घी खाना है, ये मैंने आंदोलन शुरू कर रखा है। और वह भी पतंजलि गाय का देसी घी खाओ, गाय के घी में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल मिला मिला के तिरुपति भगवान जी के प्रसाद तक को प्रदूषित कर दिया। प्रसाद प्रसीदति परमेश्वरः येन प्रसीद प्रसीद हो प्रसीद करके प्रसन्न हो करके प्रसीदत्वा यत् प्रयच्छति तत् प्रसादम्। प्रभु के प्रसन्नता का परिचायक है प्रसाद। तो उस प्रसाद में भी लोगों ने गड़बड़ झाला कर दिया, तो अब जी प्रसाद में भी घोटाला, जीवन में घोटाला हो रहा है। स्वामी जी मैं क्या बताऊं, जब ये खबर मैंने पढ़ी थी तो मुझे इतनी गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि मैं खुद तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए गई, खूब सारा प्रसाद लेकर आई, अपने सभी साथियों को, सभी कुलीग्स को, परिवारजनों को मैंने अपने हाथ से वो प्रसाद दिया और कहा कि भगवान तिरुपति जी आपको भी बहुत जल्द दर्शन के लिए बुलाएं। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में, कई बार तो इतनी हैरानी होती है, कहाँ घोटाला नहीं है। खैर हम इस विषय पर बात करें। देखो जी जी, 1,00,000,00,000 रुपए से ज्यादा भगवान के नाम पर चंदा आता है और कहते हैं हम सेक्युलर हैं, ये देश सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है, फिर 1,00,00,000,00 रुपए भगवान के नाम का क्यों खाते हो। तो मैंने तो आज एक नारा दिया, हमारा धर्म का चंदा और तुम्हारा एक गंदा धंधा, ये कैसे चलेगा। तो अलग अलग जितने भी हमारे बड़े देवस्थान हैं वहाँ पर जितना भी पैसा आता है, साउथ में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, आंध्रा तेलंगाना में और उत्तर भारत में भी जो बड़े तीर्थ हैं, यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक बड़े तीर्थों पर, और चाहे वो सिद्धि विनायक हों, चाहे शिरडी साई बाबा हों, सब जगह कुंडली मार करके बैठ गए कुछ कुटिल लोग। बस इतना ही कहना बहुत है जी। बाकी नहीं तो सुबह सुबह और कोई नई ब्रेकिंग बन जाएगी। तो सनातन धर्म के जितने भी हमारे प्रतिमान हैं, उसके गौरव बिंदु हैं, बड़ा घोटाला, ये सब ठीक होगा, पहले आज अपना ब्रेन का घोटाला हो रहा है उसको ठीक कर लेते। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि गारंटी तो हम अपने शरीर को लेकर ले सकते हैं कि यहाँ हम कोई घोटाला नहीं होने देंगे। और फिर जो आसपास हो रहा है वो तो अब जिस पे कंट्रोल ही नहीं उसकी हम क्या ही चर्चा करें इस कार्यक्रम में, लेकिन शरीर में कोई घोटाला नहीं होने देंगे, क्योंकि स्वामी जी बात भूलने की बीमारी की है। सजग जागरूक होंगे, एकता आएगी, यूनिटी आएगी, तो वो भी ठीक हो जाएगा। स्वामी जी भूलने की बीमारी अक्सर बुढ़ापे में होती थी, लेकिन ये जो नई स्टडी है वो ये बताती है कि युवाओं में भूलने की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है और कम उम्र में ही पार्किंसन हो जाना, अल्जाइमर डिमेंशिया का शिकार लोग हो रहे हैं। यंग एज में बुजुर्गों वाली बीमारी, स्वामी जी इससे तो कैसे काम चलेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो स्वामी जी युवाओं की याददाश्त तेज हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। स्वामी जी एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो पुराने लोग हैं जिसमें हमारी माँ भी है, मौसियाँ हैं, या फिर मैंने अपने बुआ को देखा, इनकी याददाश्त बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी हम काफी चीजें भूल जा रहे हैं, उनको याद रहता है, पत्नियों की भी वैसे बहुत जबरदस्त। उसका कारण बताता हूँ, आपने ठीक कहा अमित जी। देखो हमारी दादी 100 साल से, उसका नाम था फत्तो दादी, लेकिन रोज आधा किलो दूध पीती थी, 1 किलो दूध पीती थी, रोटी मोर लेती थी, पहले दांत चले जाते थे तो रोटी मूर के चूर के, और रोज घी खाती थी, कच्चे चूरमा खाती थी, घी खाते थे,
एक किलो, अच्छा स्वामी जी, 400 ग्राम स्वामी जी देखिए इस चूरमे का स्वाद और बढ़ जाएगा अगर जो आपने सिर पर कमल मुकुट धारण किया है, गले में कमल माल भी आप धारण कर ले और रखिए बगल में, हमने देख ली है। हे राम राम, लो जी जी, ये बढ़िया, अभी चार चांद लग गए, ये बढ़िया फोटो ऑफ हो गया स्वामी जी, ऐसा लग रहा है हवाई वेलकम। अब स्वामी जी आप बताएं, क्योंकि जो आप बता रहे थे बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो। हाँ, अब देखो 10 बात बताता हूँ। 100 साल तक कभी किसी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह और फिर हमारे जो फर्नांडिस थे उनकी तरह, और ये तो देखो मैं अब वर्तमान में भी काफ़ी नेताओं को पार्किंसन हो रहा है, अल्जाइमर डिमेंशिया होने की तैयारी, उनके नाम नहीं बोलूँगा नहीं तो फिर सुबह सुबह जो है और कोई नया विवाद शुरू हो जाएगा, नया पंगा शुरू हो जाएगा। लेकिन सबके लिए बता रहा हूँ, लोगों ने घी खाना छोड़ दिया या छुड़वा दिया, घी मत खाओ, और फिर तेल भी कौन सा, रिफाइंड ऑयल खाओ, सब घोटाला हो गया। एक चम्मच सुबह खाली पेट घी खाया करें, अथवा सब्जी में रोटी पर डाल के घी या मक्खन एक चम्मच सबको जरूर खाना है। या फ्लैक्सीड तिल थोड़ा कूट के उसी में थोड़ा गुड़ शक्कर, चीनी नहीं मिलाना, गुड़ शक्कर या खजूर मुनक्का अंजीर, थोड़ा उसमें अखरोट और बादाम और डाल देना, एक छोटा सा लड्डू 25-50 ग्राम का रोज़ सुबह खा लेना, 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा। सुबह रोज़ अनुलोम विलोम कर लेना, शीर्षासन या सर्वांग आसन कर लेना, दिमाग अच्छा रहेगा। ओंकार या गायत्री ध्यान कर लेना, ओम ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओंकार नमोकार मंत्र, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना। और हाँ, थोड़ा सुबह सुबह उठ करके भोर में ना, ये ब्रह्म वेला कहते हैं, इसमें ब्रह्म मेधा, ये इसको जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये इसमें ये जो ब्रह्म मेधा की प्राप्ति होती है, या मेधाम देवगण पितरश उपासते, सुबह उठ करके योग यजन करना, ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ अग्निहोत्र पितृ यज्ञ वैश्य देव यज्ञ सेवा यज्ञ राष्ट्र यज्ञ ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ, ये सब करना। और हाँ, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करना, हमारी हैसियत औकात से ज़्यादा प्रभु ने हमें दिया हुआ है, हम प्रभु का शुक्रिया करें, जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना सीखें, और जीवन में निरंतर पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ भी कैसा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, तो प्रभु अनंत सुख स्वास्थ्य समृद्धि शांति सफलता विजय अपने जीवन में हमें देंगे, और आप ही खुश नहीं रहेंगे, स्वामी रामदेव की तरह आप लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां दे पाएंगे। आज देखो जी, दिन भर एंकरिंग का काम करते हैं, लेकिन सुबह सुबह ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, श्रुतका जी, पूजा जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई, वो तभी राजनीति के चक्कर में मोदी मुसलमान में जो है उसमें बीच बीच में चले जाते हैं। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं स्वामी जी, सुबह सुबह गाय का घी एक चम्मच जरूर, मुझे कहते हैं कि भगवान ऐसी नौकरी हमको भी दे, खोलो भाई कि सुबह सुबह संस्थान जो है हमारी सेहत का इतना ख्याल रखे कि हमसे योग करे भी, करवाए भी और लोगों से भी करवाए। तो स्वामी जी इस मामले में तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं, वाकई में हम ये कहेंगे इंडिया टीवी की जो मुहिम है, एक तो गाय का घी जी, और देखो ये ब्राह्मी घृत है ना, ये खा लिया ना, ये तो एक चम्मच ऐसे ही ऐसे, तो सुपर फास्ट ब्रेन रहेगा एकदम, दिमाग के सारे तंतु एक्टिवेट रहेंगे, खाली पेट खाना है, सारे जितने दिमाग के स्क्रू ढीले हैं सबको टाइट करने हैं, या ब्राह्मी तो दिमाग के बाद बॉडी के स्क्रू की भी बात कर लेते हैं, मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा जी। स्वामी जी क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन, मेधापात ब्राह्मी शंखपुष्पी, ब्राह्मी शंखपुष्पी ज्योतिषमती और मीठी बच बाल कांगड़ी, ये पांच चीजें भी बड़ी अच्छी है स्वामी जी, क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन पूरी बॉडी से होता है। हाँ, कुछ और पूछ रहे थे, इसलिए दिमागी लोचा पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो बॉडी पैरालाइज तक हो जाती है, तो क्या यौगिक उपाय करें कि स्ट्रोक के रिस्क को रोका जा सके, ताकि स्ट्रोक और पैरालिसिस दोनों की ही परेशानी ना आए। देखो कभी स्ट्रोक नहीं होगा, खाली पेट 3-5 कली लहसुन खा लेना, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेना, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेना या लहसुन खा लेना, कोई जैन धर्म को पालते हैं स्वामीनारायण को या वैष्णव परंपरा में है तो आप खाली पेट लहसुन खा लो, वैसे लहसुन में कोई हिंसा नहीं होती है, थोड़ा उसमें दुर्गंध होता है, वैसे गाय के घी में थोड़ा उसको जब भून लेते हैं तो उसकी दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता सब खत्म हो जाती है,
और वो जो है खाली पेट ले लेंगे, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। और हाँ जो है जो रोज़ अनुलोम विलोम करेंगे, शीर्षासन करेंगे, उनको भी ये सब गड़बड़ झाला नहीं होगा। कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट खाली पेट दे देते हैं, मेधा मेमोरी ओमेगा ये खाने के बाद दे देते हैं साहब, पूरा आनंद ही आनंद है। और एकदम एक सप्ताह में रिकवर हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक यदि अनुलोम विलोम लंबा किया जाए तो ये ब्रेन स्ट्रोक जिनको भी हो जाता, मैं तो एक सप्ताह में लोगों को ठीक कर देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। करो करो, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी बेटी तो गर्भासन कर रही है। हाँ तो स्वामी जी, ये तो स्ट्रोक आपको की मैंने बात बताया कि सुबह खाली पेट गाय का घी और ये नारियल तेल वर्जिन कोकोनट ऑयल रोज में एक चम्मच पीता हूँ, और इसीलिए मेरा दिमाग सुपर फास्ट हो रखा है। और ये पहले तो ब्राह्मी घृत मैंने बताया, फिर ये पतंजलि गाय का घी आपके सामने अभी खोला और ऐसे ही स्वामी जी, अगर कोई ब्रेन हैमरेज से पैरालाइज्ड हो गया हो, पीते हैं लोग वर्जिन कोकोनट ऑयल दिमाग के लिए, तो कौन सा उपाय करें कि बीमारी को रिवर्स किया जा सके, यानी कि बिल्कुल वैसे ही पहले स्टेट में लाया जा सके जब हम हेल्दी थे। होने के बाद जो डैमेज हुआ है ना जी, हाँ, तो होने के बाद जो डैमेज हो गया ब्रेन, उसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत लंबा करें और भुजंगासन मरकटासन लंबा करें। भुजंगासन और मरकटासन ये बहुत अच्छे हैं दो अभ्यास, पूरी स्पाइन के लिए भी, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, 33 के 33 वर्टिब्राज उससे अच्छे हो जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। चलो उल्टे लेटो, कितनी बार करना है भुजंगासन? 100 बार। कितनी बार करना है बच्चों? 100 बार। ये इतना भी ना हो तो थोड़ा थोड़ा तो करे, इतना करे, इतना और इतना, धीरे 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 हो जाएगा, यहाँ से शुरुआत कर लो, ये और ये मरकटासन, ये दो अभ्यास ये ज़रूर करने हैं, ऐसे ये बड़े अच्छे हैं। और दिन भर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान, नमोकार ध्यान, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो अवच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, तो ऐसे ये ध्यान मेडिटेशन पहले सब किया करते थे, भगवान का नाम सब जपा करते थे, पहले बोलते थे भाई थोड़ा राम का नाम ले ले भाई, ले राम का नाम और कर अपना काम भाई। तो ऐसे पूजा पाठ जप तप नाम जपो किरत करो बंडके छको, ये हमारी मूल प्रकृति मूल संस्कृति थी, जैसे जैसे उसको भूलते जा रहे हैं वैसे वैसे बीमारियों के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं भाई, तो रिकवर हो जाएगा पूरा। ये दो तो आसन ऐसे, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, बस मेधावटी मेमोरी ग्रीट, मेधा इष्टि से हवन, मेधा क्वाथ पी भी लेना, ब्राह्मी शंख पुष्पी मीठी बाच ज्योतिषमती मालकांगनी, बड़ा ज़बरदस्त है अश्वगंधा, ये 5 चीज़ें हैं, इनका पाउडर घर में ही करके रख लेना, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, सबके घरों में होनी चाहिए ना। और तमाम तरह का बहुत आड़ कबाड़ रखते हैं उसको तो हटा देना, और लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, ये तो स्वामी जी आपके साथ योगाभ्यास करते करते एहसास ही नहीं होता कि कब समय जो है ब्रेन हेमरेज नहीं होने देंगे। और अब स्वामी जी योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद बारी उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। उधर बढ़ते आगे स्वामी जी, आज कौन से पौधे की बारी है? हमारा पौधा है वो, आज बारी है इसको, उठा बेटे कमल को और उठा करके इसको देखो कितना सुंदर सुंदर पुष्प खिला, उधर उधर लेके आओ, हाँ पास में, हाँ
बैठ जाओ, गिरना मत, बस 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 यही रहो। हाँ अब देखो, ये कमल इधर तो ये छोटी छोटी मछलियाँ भी आ गई हैं। हाँ ये भी आ जा, आ जा, क्या बात, बड़ी बड़ी भी आ गई हैं। और ये प्रसन्न रहती है क्योंकि उनको कोई खाने वाला है नहीं यहाँ, और कोई खतरा नहीं है। हाँ अब आ गई बड़ी बड़ी भी, क्या बात है रे। हाँ और आनंद से अब ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आ गई इधर, डांस करती हुई खा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, निर्भय हैं यहाँ। और यहाँ लगा रहे हैं कमल, ये देखो ये कमल जो है ना, ये पुष्प के साथ है, नील कमल खिला हुआ इसमें। और तो स्वामी जी हम ऐसा तालाब और पोखर कहाँ से कमल जो है ना ऐसे जी, इतना सुंदर पुष्प तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा इसमें चिकनी मिट्टी हो जी, लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, उसमें बहुत अच्छा खिलता है। हाँ और ये कमल गट्टा जो है ना, इसी का बीज होता है, ये बड़ा पौष्टिक होता है, हमने तो पूरे देश को उपलब्ध कराया कमल गट्टे के बारे में, और कई बार मैंने बताया। आज ये सब ड्राई फ्रूट्स भी, बादाम अखरोट आदि इसी के लिए रखे हुए थे। और पौष्टिक दाना स्वामी जी, अब तो कमल के खाते ये मस्तिष्क के लिए, मेमोरी के लिए, अनिद्रा के लिए बहुत अच्छे है जी। अब स्वामी जी बात योग पंचायत की, स्वामी जी दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, कुछ अच्छे चुनिंदा वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। नीलम ललितपुर से योग पंचायत लगा रही हैं, वैशाली ने पुणे से ये वीडियो भेजा है, अंजलि जबलपुर से सारे बच्चों को लगता है लेकर बैठ गई हैं योग करने के लिए, दीपेश महाराष्ट्र से योग पंचायत लगा रहे हैं, एक और तस्वीर रोहिणी पुणे से जी। स्वामी जी बेस्ट वीडियो भी दिखा देते हैं, यज्ञेश गुजरात से स्वामी जी पूरे ग्रुप ने बैठ के बहुत खूबसूरत तरीके से, यज्ञेश के लिए अभिनंदन है भाई, ऐसे 10 20 25 50 100 के ग्रुप में करें और इससे योग में राष्ट्र, योग में विश्व बनेगा। कल का चैलेंज दे देते हैं मेरी तरह से, ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ ये कर रहे हैं, ऐसे उत्तान पादासन का कल का चैलेंज है, कम से कम 10-20 इकट्ठे होकर के करना भाई। सबसे पहले अपने परिवार के ही 5-10 लोगों को इकट्ठा करके करो और कराओ, योग करना और कराना है। और योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में सबको ढालना है। उत्तान पादासन दोनों पैर उठा लिए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, ऐसे एक फिट तक उठा करके रखना है, करीब 10 सेकेंड ऐसे उठा करके रोक के रखिए। बड़ा ज़बरदस्त है ये हाथों के लिए, जिसको मैं सेकेंड ब्रेन कह रहा था, ब्रेन कट, इससे अच्छा हो जाएगा ये उत्तान पादासन। करीब 30 डिग्री पर पैरों को उठा करके रोक के रखना है, लगभग 10 सेकंड के लिए कल का चैलेंज है। और इस चैलेंज को जो भी जीतेंगे उनको गिफ्ट हैम्पर, उनको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी हम देंगे। और ये कल का चैलेंज बड़ा इजी है, लेकिन सामूहिकता में जब ऐसे योग होगा, एकत्व सह अस्तित्व सामंजस्य और यूनिटी में पूरा देश बंधेगा। स्वामी जी आपसे विदा लेने का वक्त है, कल फिर होगी मुलाकात, रोगों से हमारी ये जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।